नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल में। तो दोस्तों, अब मैं आपको आज बताऊंगा ऑडासिटी कैसे यूज़ करते हैं। तो चलिए हम ऑडासिटी को ऑन कर लेते हैं, पहले ओपन कर लेते हैं। तो ये आ चुका है, तो यहाँ पे पहले ऐसे एक पॉपअप करके आएगा, तो इसे आप कट कर सकते हो, कोई बात नहीं, इसे कोई इफेक्ट नहीं होगा। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारा ऑप्शन आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन आप देख सकते हैं यहाँ पे पहला ऑप्शन है फाइल। ठीक है, आप मतलब मेनली आपको क्या है, इंपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट करना है। ठीक है, आप यहाँ से फाइल ओपन करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो। ठीक है, और एक्सपोर्ट करना है तो आप यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे फाइल मेरा है नहीं, अभी रिकॉर्डिंग किया हुआ है तो यहाँ पे दिखा रहा है ऐसे ब्लर टाइप का। तो यहाँ पे आप MP3 में, वेब में, जो भी मतलब आपका फॉर्मेट चाहिए, आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या है, ये ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है, तो इफ़ेक्ट आपका काफ़ी ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इफ़ेक्ट में आप काफ़ी सारा जो इफ़ेक्ट वगैरह है, रिवर्ब, डिले, यहाँ पे सारा कुछ आप यहाँ से इफ़ेक्ट वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, और यहाँ से आपको अगर नॉइस रिमूव करना है, ठीक है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और यहाँ से कंप्रेशन वगैरह, वॉल्यूम वगैरह, अगर आप मतलब ज़्यादा चाहते हो, मिलाना चाहते हो, यहाँ से आप मिला सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से आपका फिर यहाँ से इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, तो यहाँ से आपका मेन है जो आप रिकॉर्डिंग करोगे, तो यहाँ पे चार, 1 2 3 4 5 ऑप्शन आएगा। तो यहाँ से आपका देख सकते हैं ये जो फर्स्ट ऑप्शन है, इसमें आप रखना। ठीक है, उसके बाद आपका जो प्लेबैक है डिवाइस, तो आप यहाँ से देख सकते हो, आप मतलब जो चीज़ से आप रिकॉर्डिंग कर रहे हो तो आप उसको यहाँ से टिक करना पड़ेगा। ठीक है आपको, उसके बाद फिर आपका रिकॉर्डिंग चैनल, आप ओबियसली स्टीरियो रखोगे, मोनो रखोगे, आपका चॉइस है। उसके बाद आपका जो ऑडियो सेटिंग है, यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका ये तो रहेगा MME। उसके बाद प्लेबैक आपका मतलब हेडफोन से करना चाहते हो या स्पीकर से, तो यहाँ से एक ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना। और डिवाइस आप देख सकते हैं, रिकॉर्डिंग आप किस से करना चाहते हो। ठीक है, तो मेरा अभी मतलब लगाया हुआ है हेडफोन, तो आपका देख सकते हैं, तो मैं ये हेड करके रख देता हूँ। ठीक है, और आप यहाँ से फिर क्या करना, आपको ओके कर देना है। ठीक है, तो मैं अभी नहीं करूँगा, अभी नहीं चाहिए। तो चलो मैं अभी यहाँ से आपको क्या करता हूँ, रिकॉर्डिंग करके सुना देता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा। ठीक है, तो आप यहाँ से क्या करोगे, इसे स्टॉप करोगे, यहाँ से रिकॉर्डिंग करोगे और आप यहाँ से स्टॉप करोगे। और यहाँ से मान लो आप ये कर्सर है ना, यहाँ यहाँ पे आ चुका है, तो आप इसको क्या करोगे, यहाँ पे लाने के लिए स्टार्टिंग में, तो इसको आप करोगे। ठीक है, यहाँ उसके बाद आप यहाँ लाना चाहते हो, यहाँ इस तरफ, तो आप यहाँ करो, तो ये जगह से रिकॉर्डिंग होगा। ठीक है, तो मान लो आपका कर्सर यहाँ पे है तो रिकॉर्डिंग करोगे, हेलो दोस्तों, हेलो, तो आप देख सकते हो तो यहाँ से रिकॉर्डिंग हो रहा है। तो हमें क्या करना है, यहाँ से रिकॉर्डिंग करना है ना, यहाँ से इसका साथ, तो इसे क्या करेंगे, हम ऐसे करके लेफ्ट क्लिक करके हम इसे पकड़ के यहाँ से छोड़ देंगे। फिर क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद ये कट ऑप्शन आएगा, आप देख सकते हैं। तो इसे कट करने के लिए मान लो आप यहाँ कट करना चाहते हो, तो यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट करो, लेफ्ट क्लिक को दबा के ऐसे सिलेक्ट कर लो, उसके बाद राइट क्लिक करो, उसके बाद कट। ठीक है, तो आप मान लो यहाँ से 20 से करना चाहते हो, तो आप यहाँ से लेफ्ट लेफ्ट क्लिक पकड़ के रखो और उसके बाद राइट क्लिक करके उसके बाद कट। तो यहाँ से आप ऐसे पार्ट वगैरह मतलब हटा सकते हो। और आप अगर इफेक्ट वगैरह डालना चाहते हो तो यहाँ से कंट्रोल ए भी कर सकते हो या डबल क्लिक भी कर सकते हो। डबल क्लिक किया तो ये ऐसा वाइट हो जाएगा। उसके बाद आप इफेक्ट में जाओगे, तो आप इफेक्ट मतलब जो भी लगाना चाहते हो आप ट्राई करके देखना, आपको जैसा चाहिए तो आप डिले, रिवर्ब, सारा कुछ यहाँ से लगा सकते हो, आप देख सकते हो। तो यहाँ से आप साउंड वगैरह में मतलब देख सकते हो, लगाकर आपको जैसा चाहिए वैसा आप इफेक्ट वगैरह लगा सकते हो। ठीक है, यहाँ से, और यहाँ से आपका जो पहले ये ऑप्शन नहीं आया था, अभी जैसे मान लो आपका कुछ एक्सटर्नल प्लगइन है, मान लो इंस्टॉल किया हुआ है, तो आप उसे भी यूज़ कर सकते हो यहाँ से। तो यहाँ से आपका यूज़ ये नहीं हो रहा है, तो यहाँ से आप देख सकते हो, यहाँ पे इफेक्ट इफेक्ट में जाकर आपका एड इफेक्ट में जाओगे, उसके बाद यहाँ पे मेरा साइमेटिक का इफेक्ट
है एक, तो उसे मैं ऑन करके दिखा दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसे क्लिक करो तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये आ गया मेरा इफेक्ट। तो आप इसे यूज़ करके अपना जो वॉइस को है और भी क्लियर कर सकते हो, और इसे ऑफ करना चाहते हो यहाँ से ऑफ कर सकते हो, और ऐड करना चाहते हो यहाँ से ऐड कर सकते हो। और अगर आपको और भी चाहिए इफेक्ट वगैरह तो यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे देख सकते हो डायरेक्ट यहाँ पे ऑडासिटी पे आ चुका है, तो मैं इससे नहीं करूँगा डाउनलोड। तो इतना ही है ये सारा इम्पोर्टेंट चीज़ आपका, यहाँ से कट करना है आपको मान लो, है ना, और आपको मान लो यहाँ से सेटअप करना है, तो ये सारा कुछ ये इम्पोर्टेंट जो है। और यहाँ से मान लो ये आपका कट हो गया है ना, चला गया, तो आप यहाँ से फिर उसे ला सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हो इफेक्ट वगैरह, और ये जो है आपका जो मतलब लेफ्ट राइट का जो आपका मतलब जो साउंड होता है उसे आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ से फिर आप देख सकते हो ऐसे इसको छोटा कर सकते हो, ऐसे इसको बड़ा कर सकते हो। इसका इतना यूज है नहीं तभी भी। और यहाँ पे आप जो यहाँ पे देख सकते हैं ये आपको जितना चाहिए अपना हिसाब से जो फ्रीक्वेंसी मतलब है यहाँ पे ये आप रख सकते हो। ये जितना है उतना ही रहने देने से ठीक है, क्योंकि उससे फिर आपका प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो आप अगर नहीं जानते हो तो आप इसे मत छेड़ो। तो यहाँ पे आपका फिर टूल का ऑप्शन दिया गया है, तो यहाँ पे प्लगइन मैनेजर है, ठीक है। उसके बाद ये सब सारा जो सेटिंग वगैरह आपको करना है तो आप यहाँ से कर सकते हो, टूल्स वगैरह। तो इतना ही है। और ये आपका वॉल्यूम है, यहाँ से आपका मतलब वॉल्यूम अप डाउन आप कर सकते हो, ठीक है। और ये माइक का है ये, और ये स्पीकर का। तो इतना ही दोस्तों, यहाँ पे कोई इतना रॉकेट साइंस नहीं है। तो दोस्तों आप इसे यूज़ करके देखो और मुझे कमेंट करना अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ज़रूर हेल्प करूँगा, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।